केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे, जहां पारंपरिक रूप से बाबा महाकाल की शाही सवारी की पूजा अर्चना की जाती है। इस पारंपरिक पूजन में प्रतिवर्ष बाबा महाकाल की शाही सवारी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहुंचे और बाबा महाकाल की शाही सवारी की पाल की पूजा अर्चना की और उन्हेल में मृतक छात्र छात्राओं के परिजनों से मिले और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए वीरेंद्र जी, प्रतिवर्षानुसार माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी महाकाल की शाही सवारी का पूजन और पूजन करने के लिए आते हैं और उसी परंपरा में आज वो सोमवार को भी वो वहाँ पर पालकी का पूजन करने के लिए आए थे। और हर वर्ष जो जिस प्रकार से हमारे साथीगण उनका अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार से सैकड़ों साथियों के साथ में इस बार तपोभूमि तपोभूमि चौराहे पे के आगे शांति पैलेस चौराहे पर हमने जो है उनका अभिनंदन किया और उसके बाद उन्होंने पालकी का पूजन किया। और जैसे ही उनको पता चला कि यार उज्जैन में जो है एक दुखद घटना हुई है, उस दुखद घटना के लिए तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे। और वो तुरंत उस हॉस्पिटल पहुँचे और उन बच्चों को देखा, उनके माताओं पिता से बात करी, उनको धैर्य बंधाया और उसके पश्चात प्रशासन को भी निर्देश दिए कि इनके बच्चों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए और जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए सिंधिया परिवार उनके लिए हमेशा उपस्थित रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।